अच्छा जी, इसके लिए मैं फोल्डर बना लेता हूँ, 3 डॉट, अच्छा तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट जो है वो चलती है, बगैर HTML के जावास्क्रिप्ट चल नहीं सकती, सही है? तो HTML की एक फ़ाइल मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी और उसमें वही बेसिक कोड लिखना पड़ेगा, सही है? अच्छा तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के जो दो तरीके हैं असल में, एक तो ये कि एक वेबसाइट के अंदर या एक HTML की फ़ाइल के साथ जावास्क्रिप्ट को चलाने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट टर्मिनल पे चलती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट जेएस ना, ठीक है? तो हम अभी क्या करेंगे, हम दोनों जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट असल में क्या है, दो तरह की जावास्क्रिप्ट है मार्केट में इस पर। एक जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट, जिसको हम उसका टेक्निकल नाम है AMD, और एक है सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन जेएस, ठीक है? बल्कि कॉमन जेएस नहीं, अब तो मॉड्यूल जेएस हो गया, नया वाला उसका वर्जन है, उसका नाम उन्होंने चेंज किया, तो मॉड्यूल जेएस करके है वो। तो हम जो अभी जावास्क्रिप्ट शुरू कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, वो हम करते हैं फ्रंट एंड वाले से। अच्छा, और फ्रंट एंड पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स कवर करेंगे सारे, सही है? और फंडामेंटल्स कवर करने के बाद फिर जैसे ही हम सर्वर पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वो सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट, अच्छा फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा फ़र्क है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे स्क्रिप्ट का यहाँ पे एक टैग बनाना पड़ता है, जैसे हम स्टाइल के लिए स्टाइल का टैग बनाते हैं। अच्छा स्टाइल का टैग कहाँ बनाते हैं, हम हेड के अंदर ना, और वो भी रेकमेंडेड नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का टैग बनाना रेकमेंडेड नहीं है, तो रेकमेंडेड कौन सा है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले क्या लिखूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है? कॉन्सोल डॉट लॉग पे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अच्छा ये पहला जावास्क्रिप्ट का कोड आपने देख लिया अपनी आंखों के सामने। अब इसको रन करने के लिए कैसे होगा, उसी तरह से जावा जो HTML की फाइल है कॉपी पाथ किया मैंने, और कॉपी पाथ करके यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया तो स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लिखा कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं H1 वगैरह को लिखा होता तो शायद नज़र आ रहा होता, ठीक है? लेकिन अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लिख दिया तो नज़र आ गया, ठीक है? लेकिन ये हमें जो कॉन्सोल है ये कहाँ दिखेगा, ये इंस्पेक्ट का बटन दबाऊंगा मैं राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मैं कॉन्सोल पे जाऊँगा इधर, तो कॉन्सोल पे आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो ये मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये सबसे पहला जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे क्या हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। अच्छा लेकिन ये इस तरह से स्क्रिप्ट का टैग लगाना ना, दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड। तो ये रेकमेंडेड किस तरीके से है, रेकमेंडेड इस तरीके से है कि आप एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे अलग से, ठीक है? स्क्रिप्ट डॉट जे एस, बल्कि MJS, ठीक है? ये बिल्कुल नई वाली जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? पहले जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर JS होता था फाइल का एक्सटेंशन, अब होता है MJS, तो हम MJS पढ़ रहे हैं, नई वाली जावास्क्रिप्ट, ठीक है? जिसको असल में जावास्क्रिप्ट जो है, अभी हम उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, हमें पता लग जाएगा कि MJS की क्या बला है। अच्छा तो यहीं पे आके मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, और वही लिख देता हूँ कि यार दिस इज जावास्क्रिप्ट फाइल रनिंग, ठीक है? जो भी बात लिखूंगा वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब ये फाइल तो मैंने बना दी, अब फाइल को मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पे अटैच करूंगा, स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर SRC करके /script.mjs, ठीक है? जस्ट लाइक दैट। अच्छा ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ना टाइप भी आप लिखते हैं, टाइप यहाँ पे हेड में नहीं लिखेंगे आप, ये इसको लगाने का जो अप्रोप्रिएट तरीका है वो क्या है, वो बॉडी के लास्ट में, जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप बॉडी के लास्ट में लगाते हैं, ठीक है? रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे देखें ये वाला कॉन्सोल आ गया, ठीक है? इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ कॉन्सोल को, मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा ये दोबारा आ जाएगा। तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या हो गई, ना सिर्फ रन हो गई बल्कि उस पर मैंने एक हेलो वर्ल्ड एक कुछ लिख के कुछ प्रिंट भी करवा लिया। तो ये सबसे पहला हमने काम जो है ना जावास्क्रिप्ट का कर लिया। अच्छा ये हो गया जी हमारे पास, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे मैं हेडिंग में भी ज़रा हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट ऐसा लिख के लगा दूँ, सॉरी
अच्छा ये नॉन रिकमेंडेड देखो इस वजह से ना कि रीयूजेबल नहीं रहता, ये एचटीएमएल की फाइल के साथ अटैच हो जाता है, ये रीयूजेबल नहीं रहता, तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड। बाकी काम सारे मैं क्लास में यही वाला तरीका इस्तेमाल करूँगा, क्लास में ये वाला इसलिए करूँगा ताकि मुझे बैक एंड फोर्थ दो पेजेस पे आगे पीछे ना जाना पड़े। जैसे सीएसएस भी मैंने इसी तरह कराई है कि मैं क्या करता था, जो इन पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट स्टाइल का टैग लगा के लिख रहा होता था, तो मैं क्लास में यही वाला इस्तेमाल करूँगा। लेकिन रिकमेंडेड जो तरीका है वो ये है कि अलग से फाइल बनाएंगे आप, ठीक है। और अलग से फाइल बनाने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है या सीएसएस की फ़ाइल होती है वो रीयूजेबल रहती है, ठीक है, वो रीयूजेबल रहती है। अच्छा ये बात समझ आ गई है। मैं अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज़ और जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखो यार, जावास्क्रिप्ट जो है शुरू में, अभी तो इस वक्त ये जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसको दर्जा हासिल है, लेकिन शुरू में ये जब आई थी तो ये क्या थी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ये थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अच्छा तो जैसे कि मैंने आपको एचटीएमएल में एक स्टोरी सुनाई थी कि क्या था जी, शुरू शुरू में इंटरनेट जब आया तो वो टर्मिनल पे चलता था, अच्छा फिर थोड़े दिनों में स्क्रीन पे चलने वाला आ गया, ग्राफिक्स आ गई कंप्यूटर में, फिर माउस आ गए, तो उस वक्त इंटरनेट में साथ साथ ये ब्राउज़र आ गया और वेब पेजेस बनने लग गए, तो बिज़नेस ने पम्फलेट जो बनाते थे कागज़ वाला उसकी जगह क्या बनाने लग गए, ये वाला वेबसाइट बनाने लग गए। तो अच्छा अब उसी टाइम पे अब बिज़नेस ने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, जिस तरह की वेबसाइट हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस क्लास में, उस तरह की वेबसाइट बिज़नेस ने बनाना शुरू कर दी। अब उन्होंने बोला कि यार इस पे ना बटन के क्लिक पे मुझे कोई एक्शन भी चाहिए, या इस तरह की कुछ लॉजिकल कंडीशनल कोई चीज़ें मुझे करवानी है इसमें, कि यार इस बटन पे क्लिक करने से ये ऐसे हो जाए, इस बटन पे क्लिक करने से ये ऐसे हो जाए, ठीक है, किसी चीज़ पे मैं क्लिक करूँ तो वो ऐसे बबल हो जाए, कोई चीज़ एनिमेट हो जाए, है ना, या कोई कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म हो जाए, जैसे कोई कंपनी है वो टैक्स की कोई कंपनी है, या कोई बैंक है वो प्रॉफिट किस तरह से देता है, ठीक है, प्रॉफिट वैसे जो बैंक देता है वो हराम होता है, लेकिन एक बात मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जी वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाता है बंदा, तो वहाँ पे एक कैलकुलेटर बना हुआ है कि जी वो आपको बोले कि यार इस खाने में आप लिखो कि कितने पैसे आप जमा करवा रहे हो, ठीक है, और उस अगले खाने में लिखो कि कितने साल के लिए जमा करवा रहे हो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दे कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में ये होता है कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए रखवाओ वो प्रॉफिट उतना ज़्यादा देते हैं, तो वो बता दे आपको कैलकुलेट करके कि जो है ना क्या प्रॉफिट का हिसाब किताब होगा इसके, तो इस तरह की जो कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो हो जाए, तो वो सिर्फ HTML CSS से नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा तो उस वक्त क्या हुआ कि HTML के अंदर ही जो है वो, अच्छा उस वक्त HTML CSS और JavaScript अलग अलग नहीं थी, ये साथ साथ ही थी ऑलमोस्ट, अब तो HTML और CSS की दो अलग अलग फाइलें बनती हैं ना, असल में पहले क्या होता था HTML पे ही एट्रीब्यूट लगा लगा के सारे काम होते थे, ये CSS अलग से बाद में बनाई गई है। तो उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई इन्होंने एक अदद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं, एक तो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे एक्सेल होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब उसके अंदर एक फार्मूला लगाने के लिए एक छोटी सी लैंग्वेज बनी हुई है वो, कि जी इक्वल टू लगाओ और ऐसे वो करो तो सम का फार्मूला आ जाता है, फिर वो ब्रैकेट में उसमें दो चीज़ दो तो वो उसको सम कर देता है, तो उसमें जाहिर है उस जो छोटी सी स्क्रिप्टिंग उसके अंदर होती है, उस स्क्रिप्टिंग के अंदर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है ना, लिमिटेड है कि जी कैलकुलेशन तो चलो हर तरह की कर देते हैं वो, लेकिन अब मैं उससे बोलूँ कि यार इसके ज़रिए मुझे एक गेम बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, मुझे उस लैंग्वेज के ज़रिए जो उसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके ज़रिए गेम बनाना है, तो गेम बनाने के लिए वो बनी नहीं है लैंग्वेज वो, ठीक है, तो उस पर गेम तो नहीं बन सकता ऑब्वियसली, ठीक है, या गेम बनेगा भी तो कोई नंबर वंबर वाला गेम बनेगा कि नंबर गैसिंग गेम है वो बन जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि नंबर के सारे मामला वो हो जाते हैं वहाँ पर, रैंडम नंबर एक जनरेट करे, यूज़र से बोले भाई गैस करो तुम इसको, तो ये काम यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा यार नहीं, मुझे पबजी जैसा कोई गेम बनाना है, उसमें AK-47 टड़क टड़क लोडो और गोलियाँ चलें और बंदा मरे और पॉइंट्स हो और वो सारा, तो ये काम उसके अंदर ऑब्वियसली नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह आईफोन के अंदर भी एक ऐप होती है शॉर्टकट्स के नाम से, उसमें शॉर्टकट्स में क्या होता है, यानी उसके अंदर एक ऑप्शन होता है शॉर्टकट्स के नाम से, अब उसमें ये होता है कि जी मैं छोटी मोटी कोई उसमें ना स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यार जैसे ही बैटरी का लेवल 50% से कम हो ना, क्या करो मेरे GPS की लोकेशन निकालो और एक ख़ास नंबर पर मैसेज कर दो,
वो ये कर देता है, सही है। या मिसाल के तौर पर मैंने जैसे शॉर्टकट लगाया हुआ है कि जी जैसे ही बैटरी मेरी 50% से नीचे आए तो क्या कर दो, लो पावर मोड को ऑन कर दो, बैटरी सेविंग को ऑन कर दो, वो कर देता है। ठीक है, फिर जैसे ही 50% से वापस ऊपर जाए चार्ज पे अगर मैंने लगाया है तो लो पावर मोड को ख़त्म कर दो। तो इस तरह के छोटे छोटे उसमें उन्होंने दिए हुए शॉर्टकट्स, जैसे वो स्मार्ट होम का भी शॉर्टकट दिया हुआ है उन्होंने कि जैसे ही जी आप एक मार्क करते हैं लोकेशन कि जी ये मेरा घर है, अब जैसे ही आप घर के करीब आए लोकेशन में दाखिल हों तो वो लाइटों को खुद ही ऑन, मतलब इंस्ट्रक्शन भेजेगा भाई लाइटें ऑन कर दो मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह की छोटे मोटे काम उसमें हो जाते हैं। अब मैं उसमें बोलूँ कि यार नहीं, मुझे अगर ना इसके अंदर बैंक की ऐप बनानी है, एक बैंक की ऐप बनानी है जो मोबाइल ऐप की सूरत में और वो खुले हो, उसमें आईडी पासवर्ड डालूँ, लॉग इन हो, बैलेंस शो करे, तो ये उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ज़रिए नहीं हो सकता। उसके अंदर छोटी मोटी इफ एल्स की कंडीशन तो है, लेकिन वो फुल फ्लैश प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो नहीं है। अच्छा, तो ये जी शुरू हुआ इस तरह से कहानी कि जी वेबसाइट के ऊपर कोई जगमग तारा चीज़ लगानी है तो उसके लिए असल में जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रोग्रामिंग की जो कैलकुलेशन वाली जो चीज़ें ये बढ़ती चली गई और जावास्क्रिप्ट को अल्टीमेटली क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट बड़ी पॉपुलर हो गई और बड़ी पावरफुल हो गई। अच्छा, शुरू शुरू में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जितने ब्राउज़र थे ना, जैसे गूगल क्रोम तो खैर उस वक्त शायद था भी नहीं, बड़े बाद में आया वो, शुरू में एक जो बड़ा मशहूर ब्राउज़र था दैट इज़ कॉल्ड नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट ब्राउज़र्स और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्राउज़र ऑफ इस टाइम। तो वो नेटस्केप नेविगेटर ने अपनी अलग जावास्क्रिप्ट बनाई हुई थी जो लगती थी, और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर करके होता था उस वक्त एक, अब तो वो ख़त्म कर दिया एक्सप्लोरर उन्होंने, तो उसकी अपनी जावास्क्रिप्ट थी, और मोज़िला फायरफॉक्स भी उस वक्त था, बड़ा प्लेयर था, वन ऑफ दोज, तो उन्होंने अपनी अलग जावास्क्रिप्ट लिखी हुई थी, नाम यही था सर, हाँ जावास्क्रिप्ट ही था। अच्छा, तो होता ही था मिसाल के तौर पे कि ये अपनी मार्केटिंग करते इसी तरह थे, फायरफॉक्स वाले आके बोलते थे कि यार फायरफॉक्स अगर आप चलाएंगे तो आपके पास टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यूं बम फटेगा, जगमग तारा हो जाएगा सारा, ये किसी ब्राउज़र में नहीं होता, ये सिर्फ हमारे में होता है। अच्छा, दूसरे वाले बोलते थे कि यार ये ऐसे ही है, ये पता नहीं ये क्या जगमग तारा लगाया हुआ है, इस तरह तो नहीं होता। तो वो बोलते थे कि यार हमारे पास कैलकुलेशन हमारी बड़ी स्ट्रांग है, और ये इस तरह करके मतलब वो मार्केटिंग कर रहे होते थे। तो कुछ जावास्क्रिप्ट का जो जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग मैंने लिखा है यहाँ पे, अभी तो ये है कि सारे ब्राउज़र पर एक जैसा चलता है, लेकिन उस वक्त क्या होता था, कॉन्सोल डॉट लॉग किसी जगह पे, जैसे यहाँ पे इसने दिया ना ग्रे कलर का दिया है कि अब कोई इसको रेड करके दे रहा होता था, कोई इसको यही नीचे स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता, मतलब इस तरह के मामला थे। तो हर किसी ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक इस जावास्क्रिप्ट में अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड की हुई थी, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था माइक्रोसॉफ्ट वालों का, उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कोड अपने पास लगाया हुआ था जिससे क्या होता था, सिस्टम का मैक एड्रेस गेट होता था, वो किसी और में नहीं था, वही कोड अगर मैं गूगल क्रोम पे लिखता हूँ तो मुझे एरर दे देता है कि यार ये तो है ही नहीं, ये जावास्क्रिप्ट ही सही नहीं है। अच्छा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो सही चलता है, आज भी अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र है किसी के पास तो उस पर वो कोड चलेगा, सही चलेगा, अब तो खैर वो बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन वो लास्ट तक उन्होंने उसको हटाया नहीं था, वो था उसके अंदर मौजूद। अच्छा, बाकी किसी ब्राउज़र ने वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, गूगल क्रोम कहता है कि यार मैक एड्रेस गेट होना सिस्टम का ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है, ये वल्नरेबिलिटी है, हम नहीं करते इसको ऐड। तो इस तरह के मामला शुरू में थे। फिर क्या हुआ जी कि 2000 पता नहीं शायद 4-5 में या शायद 2006 में एक्मा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन मंजर आम पे आई, जिन्होंने क्या किया, तमाम ये ब्राउज़र्स जो थे ना इनको एक टेबल पे जमा किया, इन्होंने बोला कि यार आप सब लोग अपने अपना जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो टेबल पे रखो और हम उसको देखेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं ना, उसको इकट्ठा करके हम जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्ड पे लेकर आए कि एक स्टैंडर्ड ऐसा हो जो सब ब्राउज़र के ऊपर सेम हो। अच्छा, उसको नाम दिया गया एक्मास्क्रिप्ट 5। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नाम ख़त्म हो चुका है, जावास्क्रिप्ट इसका पुराना नाम है, अब इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं है, अब इसका नाम है ES, एक्मास्क्रिप्ट, और एक्मास्क्रिप्ट का जो वर्जन उस वक्त बनाया था इन्होंने वो दैट वाज 5। अच्छा, अब जो एक्मास्क्रिप्ट का नेक्स्ट वर्जन 6 जो है वो आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है, तो हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे एक्मास्क्रिप्ट का वर्जन 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये MJS करके इसको लिखा जाता है, ये जो जावास्क्रिप्ट है ये नई वाली, इसको MJS करके लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है।
अच्छा, अब जितने भी मेजर ब्राउज़र्स आते हैं आज भी जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड ऐसा है जो किसी सर्टेन ब्राउज़र में चलता है, किसी दूसरे में वो नहीं चलता। ठीक है, स्टैंडर्ड पे तो ये आ गए एक स्टैंडर्ड पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी ये सारा का सारा सेम नहीं हुआ है। आज भी कुछ कोड ऐसा है जो किसी खास ब्राउज़र पे चलता है, किसी दूसरे पे नहीं चलता, लेकिन वो उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ES6 का जो स्टैंडर्ड है ना वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो सब पे चलता है। अब वो कोई हज़ारों में कोई एक लाइन ऐसी होती है जो किसी एक ब्राउज़र के अंदर सपोर्टेड है, जैसे कि मैंने बताया मैक एड्रेस वाला, कि वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलता है, किसी और पे नहीं चलता। तो वो ES6 के स्टैंडर्ड में शामिल भी नहीं है, वो ES6 के स्टैंडर्ड में वो शामिल नहीं किया गया, वो क्योंकि वो एक ही ब्राउज़र पे चलता है। अच्छा, वो हटा भी नहीं रहे उसको, बोलते नहीं हम तो रखेंगे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट का ना सिर्फ हेलो वर्ल्ड कर लिया, बल्कि हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देख ली कि ये क्या होता है। अच्छा, अब हम ज़रा ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ाई करनी है, एक ज़रा रोड मैप हम बना लेते हैं ना। अच्छा, रोड मैप बनाने के लिए आ जाता हूँ मैं, एक सेलेबस आपको मैं बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या पढ़ने लगे हैं। ये है जी हमारी आउटलाइन, ठीक है, ये हमारी आउटलाइन है। हमने वेरिएबल्स पढ़ने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, और वेरिएबल में ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन सारी है। मैथ के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़नी है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लूप स्टेटमेंट और सबसे लास्ट में फंक्शंस। यहाँ तक पढ़ के हमारी जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए हम टारगेट ये सेट करते हैं कि हमने हर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक ना कंप्लीट करना है, ये वाला। मतलब हमारी वीक में दो क्लासेस होती हैं ना, तो हमने ये टारगेट सेट करना है कि जैसे ये वेरिएबल्स हैं, तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है इस वीक की, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो ये वेरिएबल्स का जो टॉपिक है ये वाला, ये हम क्या करेंगे, ये बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, इन सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस एक क्लास के अंदर, दो क्लासेस के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली दो क्लास आएगी उसमें हम ये तीनों निपटा लेंगे सारा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली दो क्लास आएगी उसमें ये सारा निपटा लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये मिनिमम हमारा हो, मिनिमम कि जो एक वीक में हमारी दो क्लास हो ना उसमें हम ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, ये एक वाला। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक के अंदर हमने इस जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, 7 वीक के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, हर एक टॉपिक के बाद, जैसे ये वाला एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो आपको उसके ऊपर एक असाइनमेंट मिलेगा, जो आपने नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम होगा, आपने वो सबमिट कराना होगा। मैं गूगल क्लासरूम पे बना के रख दूंगा, आप उसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह जब मैथ ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ये पढ़ने के बाद आपको एक असाइनमेंट इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है, जिसका आपके पास एक वीक पर टाइम होगा। तो ये टॉपिक्स इस तरह से मैंने बना दिए, हर टॉपिक के साथ एक असाइनमेंट को एसोसिएट कर दिया, ताकि आपको ख़ुद भी पता लगता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो है तकरीबन 1 आवर है, तो हम ये वेरिएबल्स वाला जो काम है ना, ये कोशिश करते हैं कि आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो वेरिएबल पढ़ते हैं।